देखते हैं हम लिब्रिगेशन सिस्टम पढ़ते हैं लिब्रिगेशन सिस्टम का काम क्या होते हैं चार काम होते हैं खुद से पढ़ लेना ठीक <laughs> है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना कूलिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना सीलिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना क्लीनिंग इफेक्ट करना ये चारों के चारों लिख दिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इतनी छोटी सी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कोई बुक देखोगे तो उसमें तीन टाइप लिखे होते हैं एनिमल वेजिटेबल मिनरल्स पर आप ऐसे मत पढ़ो आप ऐसे पढ़ो पहले आपके जो टाइप होते हैं वो आपके तीन टाइप में डिफाइड है सॉलिड लिक्विड एंड सेमी सॉलिड ठीक है जो सॉलिड के अंदर आपके लुब्रिकेंट आते हैं वो आपके आते हैं माइका हो गया ग्रेफाइट ग्रि हो गया ये सब टाइप के जो लिक्विड के अंदर आते हैं वो आपके आते हैं एनिमल वेजिटेबल और मिनरल जो हम इसको यहाँ डिफाइन करेंगे ठीक है जनरली आपके एग्रीकल्चर में बुक में आपको ऐसे नहीं मिलता तो ये बहुत पूछा जाता है सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन बनता है सेमी सॉलिड आपका होता है ग्रीस तो so, ग्रीस किस टाइप का लिक, आ, आ, आपका है तो so, ग्रीस आपका सेमी सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट है बहुत फेमस क्वेश्चन है अब अगर यहां पे मैं आऊं एनिमल हो गया जो एनिमल लुब्रिकेंट होते हैं वो आपके यूज़ नहीं होते हैं क्यों क्योंकि ये वैक्स वैक्स बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं एनिमल आपको पूछा आप पूछ तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनते हैं हर किसी से एक पहला क्वेश्चन किससे मिलकर बने होते हैं दूसरा वो कहाँ यूज़ होते हैं तो ये बहुत कम मशीनों में यूज होते हैं मशीन में तो होते ही नहीं है बहुत कम जगह यूज़ होते हैं तो एनिमल वेजिटेबल और मिनरल के बने होते हैं एनिमल लुब्रिकेंट वेजिटेबल की बात करूं तो वेजिटेबल आपका बना होता है अब देखो वेजिटेबल वेजिटेबल का नहीं बना हुआ सीड फ्रूट और प्लांट अब ऐसी क्वेश्चन आएगा तो ऐसी होगा आईसीआर वगैरह में ऐसी रट्टा मारना है अब को ये पूछा है कौन सा लुब्रिकेंट आपका स्मॉल इम्प्लीमेंट में यूज होता है बहुत 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 ही फेमस क्वेश्चन है है और मतलब कोई डिबेट नहीं है, कुछ नहीं है कौन सा लुब्रिकेंट आपका ट्रैक्टर में यूज होता है वाला तो ये आप कहीं यूज नहीं हो रहा ये आपका स्मॉल देख लो ना मतलब ऐसे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है ये आपका स्मॉल इंजन में यूज हो रहा है ट्रैक्टर में यूज हो रहा है ये आपका किससे बन रहा है वेजिटेबल को छोड़कर प्लांट बचे ऑयल बचा सीड बचा फ्रूट तो अगर पूछा जाता है सीड ऑयल किस टाइप का है सीड ऑयल और, और ये वाला ऑयल किस टाइप का लिप्रीगेंट है वेजिटेबल टाइप का तो ये याद कर लेना सीड और ऑयल ऑल और ठीक है मिनरल्स आपका इंजन ट्रैक्टर में यूज़ होते हैं मिनरल लिब्रीग्रेंट आप किससे ना किस में किससे आप वो करते हो आ, मिलेंगे जैसे ये वेजिटेबल आपको सीड से मिल रहा था या आपको इससे मिल रहा था तो ऐसे आपको क्रूड पेट्रोलियम से मिलते हैं बहुत फेमस क्वेश्चन है विस्कोसिटी के कुछ टेस्ट होते हैं बहुत सारे टेस्ट होते हैं विस्कोसिटी फ्लैश पॉइंट पोअर पॉइंट ये सब ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जो आपको मैंने फ्यूल वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसी में आप देख लेना तो अगर बात करें विस्कोसिटी टेस्ट कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं सेवर विस्को विस्कोमीटर यह आपका कॉन्ग्रेन्ट टेंपरेचर में मेजर करते हैं -18 टू ये ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है फ्लैश पॉइंट क्या होता है अगर 5 सेकंड के लिए फायर है तो फ्लैश इनफाइनाइट है तो फायर 4 पॉइंट इस टेंपरेचर वो सीज टू फ्लो कर जाएगा मेन है आप ये उसके लिए आप जो मैंने पिछला वाला पढ़ाया था उसको आप फोकस करो ठीक है तो ये लिब्रीगेशन आपका स्टार्ट हुआ इससे कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है एक क्वेश्चन आपका ये बन गया एक क्वेश्चन ये बन गया ये किस टाइप के ऑयल है और आपका एक क्वेश्चन ज्यादा से टेम्परेचर पूछ लेगा ये इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा ज़्यादा इससे कुछ बनता नहीं है देखो अब हम लिब्रीगेशन सिस्टम का जो पूरा है वो आपका एक ही बार में पढ़ लेंगे जितनी भी चीजें मैंने एक बार में ही कवर कर दी हैं तो सबसे पहले आपका आता है स्प्लेस सिस्टम फिर आपका टाइप ऑफ लिप्लीकेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है एक होता है स्प्लैश एक होता है फोर्स और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड फोर्स जो आपका स्प्लैश सिस्टम होता है वो किस में यूज होता है वो आपका सिंगल सिलेंडर विद क्लोज क्रैंक केस जो आपकी क्लोज क्रैंक केस होती है और सिंगल सिलेंडर वो उसमें यूज होता है फोर्स लिप्लीगेशन के बारे में पढ़े तो फोर्स लिब्रिगेशन आपका किस में फोर्थ लिप्रिकेशन के देखो स्प्लेश का मतलब क्या अगर देखो ये देखो ये स्प्लैश सिस्टम है ये आपका इंजन कंपोनेंट लगे होते हैं स्प्लैश ट्रफ लगा होता है मतलब बूंद बूंद तो आपका लिप्लीकेट होगा फोर्स में क्या होता है सारे कंपोनेंट आपके एक साथ हो जाते हैं अब क्या मैकेनिज्म होती है वो खुद से

रेडिएटर में तब किससे हो रहा था क्रैक श्राफ्ट से विद द हेल्प ऑफ द वी बेल्ट यहाँ पे किससे हो रहा है कैंप शाफ्ट से तो ये ध्यान रखना कन्फ्यूजन रहता है प्रेशर आप कितना मेंटेन रह के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तीनों मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यही होगा फोर्स के फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड स्प्लैश क्यों ना इन दोनों कॉम्बिनेशन कराया है तो स्प्लैश सिस्टम देखो स्प्लैश का मतलब क्या है छोटे पार्ट्स के लिए यूज होगा और जो फोर्स है अगर कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो जो स्प्लैश सिस्टम होता है वो छोटे पार्ट के लिए होता है जो फोर्स uh, होता है वो जो वेट में ज्यादा होंगे साइज में ज्यादा होंगे उनके लिए यूज होता है तो पूछा जाता है स्प्लैश मतलब छोटे पार्ट टैपिट हो गया कैम हो गई सिलेंडर हो गया ये हो गया तो चारों के चारों पार्ट किससे होते हैं स्प्लैश से फोर्स को अगर किसी को याद करना हो तो ये याद कर ले बस ये वाला मेन बियरिंग कैम्पाफ्ट बियरिंग और बेयरिंग जितनी बेयरिंग होती है कनेक्टिंग नोट बेयरिंग जितनी बेयरिंग होगी वो आपकी फोर्स से होंगी मैक्सिमम केसेस में जो आपका स्प्लैश होगा छोटे पार्ट्स के तो आप ऐसे याद कर सकते हो दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगी फिर आपका आता है क्रैंक केस ब्रीदर को हम इसमें यूज़ करते हैं क्यों टू रिमूव द वेपर एंड टू प्रिवेंट द बिल्डिंग ऑफ द हाई प्रेशर तो ये आपको एज इट इज याद करना है वेपर को रिमूव करने के लिए और हाई प्रेशर को बिल्डअप होने से ये मेंटेन में रखता है रिलीफ ऑल क्यों करते हैं टू कंट्रोल द टू कंट्रोल द क्वांटिटी कौ, कौ, ऑफ द ऑयल एंड टू मेंटेन प्रेशर अब प्रेशर मेंटेन करना क्वांटिटी ऑफ ऑयल मेंटेन करना ये सब खुद से पढ़ लेना और बियरिंग इसमें कौन सी यूज होती है तो इसमें एबिट बियरिंग यूज़ होती है तो ये देख लेना भाई खुद से पढ़ना है ठीक है ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा किस टाइप का लुब्रिकेटिंग ऑयल हम किस सीजन में यूज करते हैं विंटर में कौन सा समर में कौन सा गियर बॉक्स में कौन सा कौन से पार्ट में कौन सा ये सबसे मेन है मतलब ये तीन और ये तीन तीन फैक्ट फैक्ट और तो अगर मैं विंटर की बात करूं देखो विंटर दिख रहा है आपको विंटर ये तीन की तरह है, दिख रहा है तो ऐसे ही ठट्टी आ गया अब जब विंटर तीन है तो समर चार होगा तो जो समर में है वो चार यूज होता है गेयर बॉक्स में गेयर बॉक्स तीन का स्क्वायर है तो गेयर बॉक्स में नब्बे होगा तो बॉक्स में नब्बे हो गया तो ऐसे ही फोर्टी तो में, में।, में, में।, में, में उसमें भी ऐसे ही फोर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गियर बॉक्स में ऐसे ही नाइनटी अच्छा एक आता है ट्वेंटी डब्ल्यू फोर्टी ये आपका दोनों सीजन में यूज कर सकते हो विंटर एज वेल एस समर लेकिन इसको चेक कर देना एक बार ठीक है ठीक है एक क्वेश्चन बनता है विस्कोसिटी इंडेक्स का कि विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है बेसिकली विस्कोसिटी अरे देखो तो विस्कोसिटी को, को टेंपरेचर के साथ वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम विस्कोसिटी इंडेक्स को यूज करते हैं तो विस्कोसिटी इंडेक्स व्हाट इट शोस इट सिग्निफाइज द चेंजेस इन द विस्कोसिटी विद द टेंपरेचर ये बहुत मेन है द चेंजेस इन द विस्कोसिटी दैट इज म्यू विद द टेंपरेचर इसका फार्मूला होता है l u l h इसका फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है अगर विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होगा तो टेंचर वेरिएशन कम होगा तो जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा तो विस्कोसिटी इंडेक्स जितना जितना अच्छा है जितना हाई है हाई उतना ही वो ऑयल के लिए अच्छा है ये ध्यान रखो इफ द विस्कोसिटी इंडेक्स इज इज हायर लेस वेरिएशन इन द विस्कोसिटी विद द विदर ये बहुत लाइन लिख दो इफ द विस्कोसिटी इंडेक्स इज हायर ज्यादा है तो वेरिएशन कम होगा इसलिए वो ज्यादा अच्छा है बहुत बार पूछा गया अब इसमें दो यूज होते हैं एल और एच

इंक्रीज हो जाता है मतलब वैसे तो इसकी सौ से एक सौ दस होती है बट इफ यू इंक्रीज अब इफ यू एडीटिंग टू वन ट्वेंटी टू वन थर्टी दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन पूछा जाता है लुब्रिकेटिंग किसका डिफिकल्ट होता है टू स्ट्रोक इंजन का या फोर स्ट्रोक इंजन का तो टू स्ट्रोक इंजन का लुब्रिकेटिंग होता है ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमें इसको कब चेंज करना चाहिए जो लुब्रीगेटो एक सौ घंटे का आप ऑयल को चेंज कर सकते हो ठीक है ना 120 ट्वेंटी आवर्स ऑफ वर्किंग

लाइनर uh, करना है स्प्लैश में बेरिंग का किस में होगा इसमें होगा क्रैंक के ब्रीदर की यूज होता है ये की यूज होता है ये सब हो गया लुब्रिकेटिंग पंप किसके द्वारा ड्रिवन होता है कैम्प शाफ्ट के द्वारा कौन से टाइप का पंप होता है गियर या वेन प्रेशर कितना होता है थ्री के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आपके लुब्रिकेशन के सारे फैक्ट जो है कंपाइल हो गए ठीक है हाँ और विस्कोल रेंज कितनी है हंड्रेड याद कर लो सौ ंडेक्स एक तो ज्यादा होना चाहिए और हंड्रेड होना चाहिए जितना ज्यादा होगा लेस वेरिएशन होगा और हंड्रेड से रेंज स्टार्ट है और अगर आप एडिटिव ऐड add कर दोगे उसमें तो द रेंज विल इंक्रीज फ्रॉम वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड टन टू वन ट्वेंटी टू वन थर्टी ठीक है ठीक है